सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका ऐतिहासिक चरित्रों के जीवन परिचय से जुड़े मेरे चैनल सोने की चिड़िया नंबर वन में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य इतिहास के प्रसिद्ध चरित्रों के साथ साथ उन गुमनाम चरित्रों को भी आपके सामने लेकर आना था जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए और चर्चा में नहीं है। दोस्तों, इतिहास से रिलेटेड मेरी वीडियो न केवल स्कूल कॉलेज और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल को भारत बल्कि विश्व इतिहास को भी जानने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस महान चित्र के बारे में मैं बात करने वाली हूं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही जीवन में शांति मिल जाती है। मैं बात कर रही हूं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की, जिन्हें तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने से पहले पूर्व जन्म 9 लेने पड़े थे। यानी तीर्थंकर के रूप में जन्म देने से पहले इन्होंने 9 पूर्व जन्म को लिया था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के पूर्वज भी इनके अनुयायी थे और इनकी मूर्ति या इनके चिन्ह इतनी लोकप्रिय हुई जितनी कि किसी तीर्थंकर की नहीं हुई थी। इन्होंने 4 गणों की स्थापना की थी और प्रत्येक गण एक गंधर्व के अंतर्गत कार्य करता था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक घटनाओं के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म पूर्व वाराणसी में पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को हुआ था। जब इन्होंने जन्म लिया था तब इनका शरीर पे एक सर्प का निशान था और इनका रंग पूरी तरह से नीला पड़ा था। जब वे बड़े हुए तो इनकी ऊंचाई लगभग 9 हाथ थी और इनकी उम्र पूरे 100 वर्ष थी। इनके पिता वाराणसी के ही इक्ष्वाकु वंशीय राजा असुसेन थे और इनकी माता का नाम रानी वामा था। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी माता गर्भावस्था में थी, यानी वो गर्भाधारण की हुई थी, जब पार्श्वनाथ अपने माता के पेट में थे तभी इनकी माता ने स्वप्न में एक सर्प को देखा था। इसीलिए इनके जन्म के बाद इनके माता पिता ने इनका नाम पार्श्व रखा। इनका बचपन बड़ा ही राजसी ठाट बाट के साथ महल में ही बीता। जब वे बड़े हुए तो इन्होंने एक दिन महल से बाहर देखा अपनी खिड़की से कि कुछ लोग पूजा के सामग्री लिए एक ऐसे स्थान पर जा रहे थे जहाँ एक तपस्वी आग जला रहा था और उस आग में एक जोड़े सांप जल के मर रहे थे। तब ये बड़े क्रोधित हुए और इन्होंने कहा कि दयाहीन कोई धर्म नहीं है। इसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और एक जैनेश्वरी जो कि ब्रह्मचारी थे उनसे इन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद ये काशी चले गए। काशी जाने के बाद वहाँ इन्होंने 83 दिनों तक कठोर तप की। इस तप के दौरान भगवान ने इनकी बहुत परीक्षाएं ली। बहुत सारी मूसलाधार बारिश हुई, पत्थर पड़े, बिजली कड़की, तेज हवाएं चली, लेकिन इन्होंने तप करना नहीं छोड़ा और अंत में 83 दिनों के बाद इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन उस समय इनकी रक्षा करने के लिए माता पद्मावती और धरेंद्रनाथ आए हुए थे। खैर, शिक्षा मिलने के बाद ये तुरंत ही पुंडरु चले गए और ताम्रलिप्ति चले गए। वहाँ जाकर के इन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताने शुरू की, जिससे ताम्रलिप्ति में ही बहुत सारे अनुयायी इनसे जुड़ गए। उसके बाद ये घूम घूम कर अपने शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे, लोगों को उपदेश देते रहे। अपने जीवन के अंतिम दिन में इन्होंने यानी जीवन के अंतिम क्षण में ये सम्मेद शिखर चले गए थे जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता है। यह झारखंड के सबसे ऊँचा पहाड़ है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगभग जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पे मोक्ष प्राप्त की थी। उसके बाद वे जन्म एवं मरण के बंधन से मुक्त हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जीवनी, जिनके नाम पर सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ पहाड़ भी है। तो दोस्तों, इनकी जीवनी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।